हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भूमि की पाठशाला एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बचे हुए दो फीचर्स के बारे में। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो फीचर्स अभी तक हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं ये दो टॉपिक्स के अंदर आते हैं। पहला आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसिस के अंदर और सेकेंड NoSQL सिस्टम्स के अंदर। सो दोस्तों आज की वीडियो में सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा शार्डिंग। शार्डिंग को हम हॉरिजॉन्टल पार्टिशनिंग के नाम से भी जानते हैं। और सेकेंड जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो होगा हाई स्पीड डेटा एक्सेस इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ अ स्लाइड। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। सो दोस्तों अब हम समझेंगे शार्डिंग को एक एग्जांपल के थ्रू। और आज का एग्जांपल है बर्गर शॉप के ऊपर। तो दोस्तों लेट्स सपोज मैंने अपनी एक बर्गर शॉप ओपन करी और इनिशियली मेरे पास जो कस्टमर्स थे वो थोड़े कम थे और जो उनकी रिक्वेस्ट आती थी वो इजीली मैनेजेबल थी और उस बर्गर शॉप में काम करने वाली मैं सिर्फ एक अकेली एम्प्लॉई थी। तो दोस्तों अब हुआ क्या कि धीरे धीरे मेरे कस्टमर्स रिक्वेस्ट जो हैं वो बढ़ने लगी और कस्टमर्स जो हैं वो डेली डेली इंक्रीज़ होने लगे। उसकी वजह से जो कस्टमर ऑर्डर्स हैं वो अकेले मेरे लिए यानी कि एक सिंगल एम्प्लॉई के लिए मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने तीन और एम्प्लॉयज़ हायर किए ताकि मैं सारे के सारे कस्टमर्स ऑर्डर्स और कस्टमर्स की रिक्वेस्ट को ईजीली एंड इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकूँ। सो दोस्तों अब यहाँ पर हमने कस्टमर रिक्वेस्ट कैसे हैंडल करी कि मैंने कस्टमर नंबर 0 to 99 की रिक्वेस्ट भेजी पर्सन P1 के पास, 100 to 199 कस्टमर नंबर की रिक्वेस्ट भेजी पर्सन P2 के पास एंड सो ऑन। सो दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या कि मेरे पास बहुत सारे कस्टमर ऑर्डर्स थे और मैंने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के अमंग सो दैट कि मेरी की सारी रिक्वेस्ट जो हैं वो ईजिली हैंडल हो सके और जल्दी से जल्दी मैं अपने कस्टमर ऑर्डर्स डिलीवर कर सकूँ। सो दोस्तों अब यहाँ पर हुआ क्या कि एक एम्प्लॉई बहुत सारी रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर सकता था, इसलिए हमने बहुत सारे और एम्प्लॉयज़ को हायर किया और उनके बीच में हमने कस्टमर ऑर्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया बाय यूजिंग दी कस्टमर नंबर। और इस तरीके की पार्टिशनिंग को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल पार्टिशनिंग, जहाँ पर किसी की के बेसिस पे डेटा पार्टिशन किया जाता है। सो यहाँ पर उस की का रोल प्ले किया है कस्टमर नंबर ने। और एक चीज़ जो यहाँ पर पर्सनस हैं यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हमने और हायर करे थे हॉरिजॉन्टल पार्टिशनिंग में वो रोल प्ले करते हैं एज़ ऑफ डेटाबेस सर्वर्स, यानी कि जितने भी कस्टमर्स रिक्वेस्ट आती हैं वो हर एक डेटाबेस सर्वर हैंडल करता है और हर एक डेटाबेस सर्वर के अंदर की के बेसिस पे डेटा पार्टिशन होता है। तो दोस्तों जो डेटा डिस्ट्रीब्यूट या पार्टिशन किया जाता है वो होता है ऑन दी बेसिस ऑफ एनी एट्रीब्यूट जो आपके डेटाबेस में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। एक और चीज़ जो जानने वाली है वो ये है कि जब आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो जो आपके डिफरेंट पार्टीशंस क्रिएट होते हैं उनको हम बोलते हैं लॉजिकल शार्ड्स। और यहाँ पर होता क्या है कि आपके टेबल के कॉलम्स सेम रहते हैं यानी कि आपका स्कीमा सेम रहता है लेकिन आपकी रोज हर एक शार्ड में डिफरेंट होती हैं। तो आइए इसको जानते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू। सो दोस्तों अब मेरे पास है एक एम्प्लॉय टेबल और हम इसके तीन डिफरेंट शार्ड्स क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पर जो शार्डिंग होगी वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट नंबर, यानी कि जो की या फिर एट्रीब्यूट होगा जिसके बेसिस पे हम डेटा पार्टीशन करेंगे वो होगा डिपार्टमेंट नंबर। दोस्तों अब होगा क्या कि तीन लॉजिकल शार्ड्स क्रिएट होंगे। पहला होगा कि जिसमें सारे के सारे वो टपल्स होंगे जहाँ पे आपका डिपार्टमेंट नंबर 4 है। टपल्स मतलब कि आप सभी जानते होंगे रिलेशनल DBMS में टपल्स का मतलब होता है रोज़। उसके बाद जो दूसरा शार्ड क्रिएट होगा उसके अंदर सारे के सारे वो टपल्स होंगे या रोज़ होंगी जहाँ पर आपका डिपार्टमेंट नंबर 5 होगा। और आपका थर्ड शार्ड जो क्रिएट होगा वो होगा डिपार्टमेंट नंबर 1 के लिए, यानी कि वहाँ सारे के सारे वो टपल्स होंगे जहाँ डिपार्टमेंट नंबर 1 है। सो दोस्तों अब यहाँ पर होगा क्या कि कोई भी यूज़र रिक्वेस्ट अगर आएगी और वो अगर डिपार्टमेंट नंबर 4 से कंसर्न होगी तो वो जाएगी सबसे पहले शार्ड में जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 4 का शार्ड क्रिएटेड है। और अगर कोई क्वेरी आती है जो डिपार्टमेंट नंबर 5 से कंसर्न होगी तो वो जाएगी आपके सेकेंड शार्ड में जहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर 5 का एक शार्ड क्रिएटेड है। तो हमेशा कोई भी क्वेरी जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगी वो उसी शार्ड पे मैप होगी बार बार, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखें। सो दोस्तों दो और कंसर्न जो आते हैं शार्डिंग के अंदर वो है कंसिस्टेंसी एज़ वेल एज़ अवेलेबिलिटी। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में अवेलेबिलिटी के ऊपर बात करी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आइए दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में।
सो दोस्तों, अब जो इसके एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल पार्टिशनिंग के थ्रू हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बहुत इजी हो जाती है। मैं ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो में हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की बात कर चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आपकी जो एक शार्ड के अंदर डेटा होगा वो लिमिटेड होगा, तो ऑब्वियसली आप डेटा ईजिली मैनेज कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, रिलायबिलिटी भी ज़्यादा होगी, आपकी परफॉर्मेंस जो होगी एक पर्टिकुलर शार्ड की वो बहुत अच्छी होगी, एंड एक्सपेंशन बहुत ईजी होगा। और अब अगर मैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आता है अवॉइडेंस ऑफ क्रॉस शार्ड जॉइंट्स। सो दोस्तों, अब होगा क्या कि अगर हम इनर जॉइंट्स लगाने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली आपके शार्ड्स जो हैं वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में हैं ओवर अ सर्टेन नेटवर्क, तो होगा क्या कि आपकी जो जॉइन क्वेरी है वो दोनों के दोनों शार्ड्स में जाएगी एंड वहाँ से डेटा पुल होगा, और नेटवर्क के अक्रॉस इनर जॉइंट्स लगा के डेटा फेच करना बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसलिए एक NoSQL सिस्टम में या फिर बिग डेटा सिस्टम के अंदर जॉइंट्स को अवॉइड किया जाता है। शार्ड एलोकेशन इम्बैलेंस का मतलब है फ्रेंड्स कि हो सकता है कि आपके डिफरेंट शार्ड्स में आपका डेटा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, यानी कि जैसा कि हमारे एग्जांपल में था कि एक एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम करने वाले बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर 1 में काम करने वाला सिर्फ एक अकेला एम्प्लॉय है, तो हो सकता है कि आपके डेटा जो है शार्ड्स के बीच में इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो। सो दोस्तों, थर्ड डिसएडवांटेज जो आती है वो आती है शार्ड एग्जॉशन की। शार्ड एग्जॉशन का मतलब होता है कि आपका हर एक शार्ड जो होता है वो लिमिटेड कैपेसिटी का होता है, और एक पर्टिकुलर शार्ड पे ही अगर आप डेटा राइट करते जाएंगे तो हो सकता है कि आपके एक शार्ड की डेटा कैपेसिटी एक्सीड हो जाए और उसके बाद उस शार्ड पे आप और डेटा ना राइट कर पाएं। लास्ट डिसएडवांटेज जो है दोस्तों वो है डेटाबेस स्कीमा चेंजेस, यानी कि अगर आप अपने डेटाबेस स्कीमा के अंदर कोई भी चेंजेस करते हैं तो अक्रॉस मल्टीपल शार्ड, यानी कि जितने भी शार्ड आपने क्रिएट करे होंगे सबके अक्रॉस आपको स्कीमा चेंजेस करने होंगे, एंड दैट कैन बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव ओवर द नेटवर्क। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने लास्ट फीचर के बारे में, जो कि है हाई स्पीड डेटा एक्सेस इन अ NoSQL सिस्टम। तो दोस्तों, आप जैसे कि जानते ही होंगे NoSQL सिस्टम्स या बिग डेटा सिस्टम्स के अंदर आपके पास मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, और अगर हम फेसबुक का ही एग्जांपल लें तो आप किसी भी यूज़र को या किसी भी अपने फ्रेंड को सर्च करते हैं तो ऑब्वियसली यूज़र चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या रिकॉर्ड मिल जाए। तो ऐसे सिस्टम्स के अंदर जो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं या यूज़ होती हैं वो होती है सबसे पहली हैशिंग, एंड सेकेंड होती है रेंज पार्टिशनिंग। तो दोस्तों, हैशिंग में होता क्या है, हम सब जानते हैं कि एक हैश फंक्शन के थ्रू हम अपनी की को मैप करते हैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो इस केस में भी ऐसा ही होता है कि हम किसी भी रिकॉर्ड की लोकेशन फाइंड करते हैं बाय यूजिंग दी हैश फंक्शन। एंड सेकंड आपका होता है रेंज पार्टिशनिंग, यानी कि आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कुछ रेंज ऑफ वैल्यूज़ रख देते हैं और वहाँ से उसके बाद आपके रिकॉर्ड्स फेच होकर आते हैं, यानी कि डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट रेंज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। सो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।